इस संस्था सर्व शिक्षा सेवा समिति के एक मेंबर मिस्टर रविंदर कुमार वर्मा जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपनी कुछ महत्वपूर्ण बात हमारी इस भोले भाली जनता के सामने रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले इतने दूर दराज स्थानों से चल करके हमारे इस महाशांति सम्मेलन 2017 के मंच पर विराजमान विभिन्न धर्मों से संबंधित धर्म गुरुओं का अपने सर्व शिक्षा सेवा समिति परसा पलेडी के तरफ से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने हमारे समिति के आह्वान पर हमारे इस बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र में शांति के संदेश देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित अतिथिगण हमारे जिला लेवल से चल कर करके आए हुए पत्रकार बंधु तथा यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चे जो निश्चित है आगे जा करके हमारे इस देश का नाम रोशन करने वाले हैं, माताएं बहनें सभी लोगों का मैं एक बार पुनः अपने सर्व शिक्षा सेवा समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका शीर्षक ही है शांति सम्मेलन। शांति का मतलब है कि अगर समाज में शांति व्यवस्था कायम नहीं रहेगी तो हमारा समाज बहुत पीछे ही होता जाएगा, क्योंकि जहां शांति नहीं है वहां शिक्षा नहीं हो सकती और जहां शिक्षा नहीं है वहां विकास नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष की भांति इस वर्ष 2017 में भी हमारे समिति की तरफ से इस सम्मेलन का आयोजन यहां करवाया गया, जिससे इस क्षेत्र में एक भाई बंधुत्व की भावना कायम रहे और अपने विभिन्न मजहबों को लड़ करके अपने विभिन्न मजहबों को देख करके कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि तमाम प्रकार का लड़ाई झगड़ा उपद्रव होता रहता है। इस मंच के माध्यम से यही शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, हम आपस में वसुधैव कुटुंबकम भाई बंधुत्व की भावना से हमेशा अपने जीवन का यापन करें। इसी बीच हमारे गैसड़ी के हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता मदन भैया एवं दैनिक जागरण के संवाददाता श्री बब्बू सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अपने मेहमानों आगंतुकों से आग्रह करेंगे कि उनका ताली बजाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें तथा अपने समिति के लोगों से गुजारिश करूंगा कि उन्हें पत्रकार दीर्घा में उनका स्थान दिलाना सुनिश्चित करें। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों का पुनः आवाहन करूंगा कि हमारे विशेषकर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है, हमारे इस धर्म गुरुओं के संदेश को लेकर के जाएं और इनका संदेश वाहक बन करके अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र और अपने देश में इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का प्रयास करें और इसको अपने निजी जीवन में उतारने का प्रयास करें कि हम मजहब के नाम पर कभी दंगा फसाद नहीं होने देंगे और ना ही इसके नाम पर लड़ेंगे। हम शिक्षित बनेंगे, संगठित बनेंगे और अपने देश के विकास में सहयोग करेंगे, अपने देश को इस विश्व के एक मंच पटल पर सबसे नई ऊंचाइयों को प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ, चूंकि समय बहुत कम है, हम अपने
समितियों को कम, लेकिन अपने यहाँ पर उपस्थित धर्मगुरुओं को जो हमारे मेहमान हैं उनको ज्यादा सुनेंगे। इसी क्रम में मैं अपने इस वाणी को विराम देना चाहता हूँ और एक बार आह्वान करता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम एक बार पुनः शांति की अपील करते हैं कि आप लोग हमेशा इस शांति के मुहिम को कभी रोकिएगा ना और दिन प्रतिदिन इसको बढ़ाए ही रखिएगा। और शांति की स्थापना जब आपके समाज में हो जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब शिक्षित हो गए और आप कब विकसित हो गए। इसी कामना के साथ में मैं एक बार पुनः अपने सर्व शिक्षा सेवा समिति की तरफ से आप सभी आगंतुकों मेहमानों को स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व शिक्षा सेवा।